बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पैराडाइज कॉलेज की तरफ से इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम किया जाता है। जैसे कि आपको पता है, हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, उसका टेस्ट भी हो गया है। तो आज हमने बुक टू की सेकंड स्टोरी प्रोज की स्टार्ट करनी है, जिसका नाम है द यूज ऑफ साइंटिफिक मैथड। तो ओपन करें सेकंड स्टोरी, द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड। आज हम इसके राइटर की बायोग्राफी और इसकी समरी देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आपको इसके बारे में बता दूं, ये एक आर्टिकल है जो कि लिया गया था बुक द बेसिक साइंस से। इससे द बेसिक साइंस जो कि लिखी गई थी डैरल बर्नर्ड एंड लॉन एडवर्ड, हमारा जो राइटर है। जी बच्चों, तो डैरल बर्नर्ड और लॉन एडवर्ड इन दोनों ने लिखी। हमारा जो राइटर है वो है डैरल बर्नर्ड। आपको स्क्रीन पे उसकी पिक शो हो रही होगी। तो इसकी बायोग्राफी के बारे में देख लेते हैं पहले। डॉक्टर जॉन डैरल बर्नर्ड पैदा हुए थे जॉनस्टाउन कोलोराडो में, जो कि एक स्टेट है यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। पैदा कब हुए? 20 अप्रैल 1906 में, और इनकी डेथ कब हुई? 1994 में। ये बाय प्रोफेशन क्या थे? प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन थे एंड चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एजुकेशन। साइंस एजुकेशन के क्या थे? डिपार्टमेंट के ये चेयरमैन थे और प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन थे, ठीक है। इनका ज्यादातर टच किस में मिलता है हमें? साइंस में मिलता है। फिर साइंस एजुकेशन की फील्ड में बेस्ट थिंकर था, बेस्ट आइडियाज को प्रमोट करता था, बेस्ट वे बताता था साइंस के यूज के। हमारी ये जो स्टोरी है द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, जैसे कि आपको नाम से ही शो हो रहा होगा, इसमें भी क्या है? साइंस के यूजेस के बारे में बताया गया है। डिफरेंट यूजेस बताए गए हैं, जिससे क्या है, हमने अपनी लाइफ को डेवलप कर लिया हुआ है, हमारी लाइफ चेंज हो चुकी है ड्यू टू दीज मेथड्स ऑफ साइंस। फिर इन्होंने बहुत सारी पब्लिकेशंस करवाई, जिसमें साइंस एजुकेशन के अबाउट भी था और बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे साइंस के अबाउट, जिनमें कुछ आर्टिकल्स ये हैं, द NEA जर्नल, एजुकेशनल मेथड, एजुकेशन का मेथड क्या है, जर्नल ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी, को ऑथर विद एडवर्ड्स। बच्चों समिया, आपका मैसेज पड़ा है, आपका क्वेश्चन है कि ये एडवर्ड और जो हमारा राइटर है डैरिल बर्नर्ड, इसके बीच में क्या लिंक है? तो ये दोनों बच्चों कोलीग्स थे, पार्टनर थे, जैसे एक ही डिपार्टमेंट के होते हैं ना अलग अलग कोलीग्स, तो वो एक दूसरे की हेल्प के साथ भी चलते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके भी चलते हैं। तो इन्होंने कोऑपरेशन से क्या किया, कुछ आर्टिकल्स लिखे, एक बुक लिखी बेसिक साइंस, साइंस की बेस क्या है, उसकी बेसिक थिंग्स क्या है। तो ये दोनों सेम सब्जेक्ट के थे, सेम टच के थे, और दोनों ने कोऑपरेट से एक बुक लिखी। तो इसी बुक का जो आर्टिकल है वो है हमारी ये जो स्टोरी द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो इस तरह से इन दोनों ने ये बुक लिखी। नेक्स्ट चलते हैं हम समरी के बारे में डिस्कस करने। तो इस स्टोरी में राइटर ने 4 to 5 points, बेसिकली 4 points डिस्कस किए हैं, जिससे हम लोगों ने अपनी लाइफ को बहुत चेंज किया है, रादर देन आर फोर फादर्स। अपने अबाओ अजदाद की जिंदगी जैसे थी, उनकी निस्बत अब हमारी जिंदगी कैसे है, हमने बहुत चेंज किया है इसको। तो इम्पोर्टेंस करता है शो इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ द यूज ऑफ साइंटिफिक मैथड्स। इस स्टोरी में राइटर ने क्या किया है, हाइलाइट्स किए हैं कुछ पॉइंट्स इसके अबाउट, साइंस के अबाउट, ठीक है। ये वो मेथड्स बताए हैं साइंस ने क्या किया है इंसानी जिंदगी को
रिवोल्यूशनाइज्ड कर दिया है, चेंज कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है, पहले से ज़्यादा बेटर कर दिया है। पहले लोग जंगलों में रहते थे, फिर घर बनाए, फिर सारे काम उनको हाथों से करने पड़ते थे, अब तरह तरह की मशीन्स आ गई हैं, हल चलाते थे, फिर ट्रैक्टर्स आ गए, फिर पहले बीमारियों की रोकथाम नहीं थी क्योंकि डॉक्टर्स नहीं थे इतने ज़्यादा, फिर हॉस्पिटल्स बन गए, डॉक्टर्स आ गए, तो बहुत सारी बीमारियों पे काबू पा लिया गया, गंदगी पे कंट्रोल कर लिया गया, अवेयरनेस आ गई। इन शॉर्ट लोगों में अवेयरनेस आ गई, ठीक है, वो जिंदगी को लेके सीरियस हो गए। हैव चेंज आर डे एंड नाइट, कहता है कि साइंस ने हमारे दिन रात बदल दिए हैं, ठीक है। कंपेयर मॉडर्न एज विद द पास्ट, फिर राइटर ने क्या किया है स्टोरी में कि उसने जो पास्ट की लाइफ है, जो हमारे फोर फादर्स, हमारे इंसेस्टर्स, हमारे बड़ों की जो लाइफ है, उसके साथ हमारी लाइफ को, मतलब प्रेजेंट एज को, मॉडर्न एज को क्या किया है, कंपेयर किया है। फिर दे हाईलाइट फोर मेजर इश्यूज रिगार्डिंग टू ह्यूमन लाइफ, फिर उस कंपैरिजन से चार मेजर जो इश्यूज थे वो सामने आए, फिर उनमें डिफरेंस देखा गया, पहले वो इश्यूज कैसे फेस किए जाते थे, अब किस हद तक उन पर कंट्रोल कर लिया गया, ठीक है। फिर उन इश्यूज को पास्ट के साथ कंपेयर किया गया, पहले वो कितने बड़े लेवल पे थे, अब उनकी जो सिग्निफिकेंट है वो क्या है। तो ये है वो फोर इश्यूज, बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज, बीमारियों का अच्छे तरीके से रोकथाम, बेटर सैनिटरी कंडीशंस, सैनिटरी कंडीशंस मतलब जिसमें बच्चों ये नालियां और गलियां वगैरह का आ जाता है, पानी का बहाव किस तरह से किया जाता है, मोर फूड एंड बेटर फूड, ज़्यादा गज़ा और बेहतर गज़ा, बेटर एटीट्यूड और बेहतर रवैये, लोगों के रवैयों में साइंस की वजह से कैसे चेंज आया, ठीक है। जिन बच्चों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही, उनका नेट में इशू हो सकता है, वो अपनी पोजीशन चेंज करके देखें। तो अब हम इन फोर इश्यूज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इशू है हमारा बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज, बीमारियों की रोकथाम। आज से 200 साल पहले कहता है कि 7 बेबीज वर डाइड आउट ऑफ 8 बिफोर रीचिंग फर्स्ट बर्थडे। अब नोट कीजिएगा ज़रा, मैं आपको एग्जांपल देने लगी हूँ। ये स्टोरी में एग्जांपल दी गई है कि अगर एक सोसाइटी में 8 बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से बड़ी मुश्किल एक बच्चा जो बड़ा ही लक वाला होगा, बड़ा लकी होगा, वो 1 साल का हो पाएगा। वो अपनी पहली बर्थडे पे तक पहुंचने का मतलब है वो बड़ा लकी होगा तो 1 साल उसकी उम्र हो जाएगी। बाकी जो 7 बच्चे हैं उनके साथ क्या होता है, उनको तरह तरह की खतरनाक किस्म की बीमारियां लग जाती जो कि 1 साल के होने से पहले ही मर जाते, ठीक है। बिफोर रीचिंग 7 ईयर्स डिफरेंट डिजीज अटैक्ड, फिर जिस तरह से चीचक है, स्मॉल पॉक्स। फिर उसके बाद कहता है कि अगर आप बड़े लकी पर्सन हो, उन 8 में से आप 1 हो, 7 मर गए आप बच गए, फर्ज कर लो मैं एग्जांपल दे रही हूँ बस, तो आप बड़े लकी हो कि 12 साल की एज तक आपने बहुत सारा सरवाइव किया, बहुत बीमारियों के खिलाफ लड़े। तो 12 साल की एज में वूपिंग, ये बच्चों कफ की खांसी की एक किस्म होती है जिसमें छोटी छोटी खांसी होती है लेकिन खतरनाक किस्म की खांसी होती है। ये कफ खांसी, स्कारलेट फीवर, पीला बुखार, ये इसमें क्या होता है, एक तो बहुत तेज बुखार हो जाता है, ऊपर से रेड मार्क्स पड़ जाते हैं स्किन पे, मीजल्स, खसरा जिसको हम लोग पंजाबी में काकड़ा बोलते हैं। तो ये सारी बीमारियां 12 साल की एज में लग जाए। फिर लाइफ बड़ी बेयकीनी सी थी, लाइफ वॉज अनसर्टेन, मतलब डर रहता था कि अभी भी बच्चों को कोई बीमारी हुई, अभी भी किसी बीमारी ने अटैक किया, अभी भी डेथ हुई, अभी भी ऐसे हुआ, अभी भी वैसे हुआ। तो कोई कोई सर्टन सिक्योरिटी नहीं थी लाइफ की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर अगर जो बच्चा 13 साल का हो जाता, जो 12 साल की एज में बच जाता, जो 13 साल का हो जाता, तो उसको बड़ा ही किस्मत वाला समझा जाता था कि ये तो बहुत सारी बीमारियों ने अटैक किया फिर भी बच गया। तो फिर अब हम कंपैरिजन देखते हैं, ये था पास्ट डेज, 200 साल पहले की बात। अब हम मॉडर्न एज के बारे में देखते हैं। आजकल बच्चे हॉस्पिटल्स में पैदा होते हैं डॉक्टर्स की पूरी निगरानी के साथ, फुल केयर के साथ। 9 बेबीज आर बर्न इन हॉस्पिटल्स, है वैक्सीन, उनको वैक्सीन की जाती है बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए।
ट्रीटेड इन गुड एटमॉस्फेयर, अच्छे माहौल में जो है उनको ट्रीट किया जाता है। फिर इतने सारे मेडिसिंस आ गई हैं फील्ड में कि यू कैन लिव 70 ईयर्स, आप लोग 70 साल तक जी सकते हो, एक आदमी 70 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है। ठीक है, हैव पॉसिबल ड्यू टू साइंस, ये सब साइंस की वजह से पॉसिबल हुआ है। लेकिन बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा एक और इशू भी हुआ है कि आज से कुछ साल पहले ही 70 ईयर्स पॉसिबल थे, आजकल फास्ट फूड्स हमारी लाइफ्स को बहुत ही कम कर रहे हैं, फास्ट फूड्स की वजह से डेथ्स जल्दी हो जाती है, मोटापा हो जाता है, फिर हार्ट अटैक्स आ जाते हैं, फिर जाहिर है कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज़्यादा होने की वजह से बीपी शूट कर जाता है, फिर गजाओं में 2 नंबरी होने लगी है, खादें बहुत जहरीली आ गई हैं, तो इससे भी हमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जो कभी ना ख़त्म होने वाली डिजीज लग जाती हैं। तो लाइफ अभी भी कुछ हद तक क्या है, अनसर्टेन ही है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पास्ट की निस्बत 95% हम लोगों ने डिजीज़ पे कंट्रोल करके लाइफ को 70 ईयर्स तक पहुंचा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, बेटर सैनिटरी कंडीशंस। इसमें हम लोगों ने देखना है ये गलियां जो है, पानी का बहाव। कहता है कि आज से 100 साल पहले क्या होता था कि जो गलियां होती थी वो नैरो तंग होती थी, एंड टूटी फूटी और पुअरली ड्रेन। पुअरली ड्रेन का मतलब है वहां पे नालियां वगैरह नहीं बनी होती थी और पानी जो है पाइप्स वगैरह नहीं थे, पानी जो गंदा पानी है वो ओपनली गलियों में इधर से उधर मूव करता रहता। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, पीपल थ्रो गार्बेज एंड हाउस होल्ड इन द स्ट्रीट्स। लोग अपनी गलियों में घर का कूड़ा वगैरह ऐसे ही फेंकते, कोई प्रोमिनेंट और प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था ये गार्बेज वगैरह फेंकने का। फिर बिरूनी बैतुलखला आम थे, घर से बाहर बैतुलखला आम थे, टॉयलेट्स बहुत ही कम थे, बल्कि टॉयलेट्स नहीं थे, तो इस वजह से पोल्यूशन और डिफरेंट डिजीजेस पैदा होती फिर इस वजह से। तो अब हम कंपैरिजन देखेंगे इसका नोवा डेज के साथ। तो आजकल क्या है, स्ट्रीट्स आर पेव्ड, गलियां बिल्कुल सीधी हैं, प्रॉपरली ड्रेन्ड हैं, मतलब वहां पे पाइप्स वगैरह का अरेंज किया गया है, नालियां वगैरह बनाई गई है, पानी ओपनली गलियों में मूव नहीं करता है, बड़ी हैं, खुली हैं। डू नॉट थ्रो गार्बेज एंड हाउस होल्ड इन द स्ट्रीट्स। लोग आजकल कूड़ा वगैरह गलियों में नहीं फेंकते, बल्कि अपनी तोहीन समझते हैं, जिस घर के आगे गार्बेज वगैरह का ढेर लगा हो तो वो लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट हो गया हुआ है। सेवेज इज कैरिड थ्रू सील्ड पाइप्स, नकारा पानी की निकासी जो है ना, निकासी वो कहाँ से की जाती है, सील्ड पाइप्स के बीच में की जाती है। पानी जो गंदा पानी है उसको सील्ड पाइप्स के थ्रू लेके बहाया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है मोर फूड एंड बैडर फूड, ज्यादा गुजा और अच्छी गुजा। पिछले जमाने में सब्जियों की वैरायटी और फ्रूट्स, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स कम थे, आजकल तो कल्टीवेट कर लिया गया है बहुत कुछ, पेबंद लगा के तरह तरह के फ्रूट्स आ गए हैं, सब्जियां आ गई हैं। दूसरे नंबर पे हर जगह पे पिछले जमाने में इन ओल्ड एजेस सब कुछ अवेल नहीं होता था, बड़ी बड़ी दूर लोगों को जाना पड़ता था। तो आजकल क्या है कि हमें हर स्टोर से ये चीज़ें अवेल हो जाती हैं। तो अब ये देखते हैं इसमें क्या डिस्कस करना है हमने, कि लेस वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बच्चों वैरायटी कम थी फ्रूट्स की, मतलब फ्रूट्स भी कम अवेल थे और वेजिटेबल्स भी कम अवेल थी। मोस्ट ऑफ द फूड वॉज प्रोड्यूस्ड इन देयर ओन फार्म्स, लोग ज्यादा काश्तकारी करते थे ना, खुद ही फार्मर्स, तो ज्यादातर सब्जियां अपने ही फार्म्स वगैरह में उगाते थे। सच मीट, गोश्त, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वर नॉट अवेलेबल, ज्यादातर गोश्त, सब्जियां और फ्रूट्स ज्यादा अवेलेबल नहीं होते थे, और जो अवेलेबल होते थे फिर जो थ्रिफ्टी वाइव्स का मतलब है घर में कामकाज करने वाली घरेलू जो औरतें हैं वो उनको सेव कर लेती लेटर यूज के लिए, बाद में इस्तेमाल करने के लिए, पिकलिंग मतलब अचार डाल के, कैनिंग उनको खुश्क करके डिब्बों में पैक करके, और ड्राइंग उनका पानी वगैरह नमकियात निकाल के बीच में से, कि वो नमी ना आए उनमें से, फिर फफूंदी फंगस ना लग जाए, तो इस तरह से सेव कर लेती थी फॉर लेटर यूज। मीट्स वर प्रिजर्व्ड बाय सॉल्टिंग, नमक लगा के गोश्त को महफूज किया जाता है, ड्राइंग करके या डी हाइड्राइंग।
नो वी ईट फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल्स. हम लोग फ्रेश फ्रूट्स का यूज़ करते हैं, फ्रेश सब्जियों का यूज़ करते हैं. अभी हमारे घर फूड स्टेप्स पे, डोर स्टेप्स पे जो है ना वो स्टोर्स अवेलेबल हैं. हमें हम स्टोर्स पे जाते हैं, वहाँ से जो हमें चाहिए हो, जो सब्जी जितनी सब्जी चाहिए हो वो फ्रेश सब्जी ले आते हैं, तो पका लेते हैं, खा लेते हैं. तो हमें सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमें इजीली अवेल होता है हर कुछ, हर चीज़. By quick freeze method we preserve meat, vegetables and fruits. हमारे पास refrigerators हैं, freezers हैं, हम लोग quick freeze कर सकते हैं. ठीक है, फ्रिज के अंदर रखा डिब्बा सब्जियों का, सब्जियाँ रखी या फल रखा, तो वो ख़राब नहीं होते हैं वहाँ पर, तो जब दिल चाहा निकाल के तो यूज़ कर लिया. The last one, better attitude, बेहतर रवैये. लोगों के रवैयों में भी फ़र्क आया रवैये. कोई हमारे साथ कोई अगर कोई इशू वगैरह होता है, कोई मामला पेश आता है, तो उसको नज़र में रख के हम क्या सोचते हैं, उसको लेके हमारा बिहेव क्या होता है, उसको हम लोग एटीट्यूड बोलते हैं. तो पास्ट में लोग साइंस, अच्छे और बुरे साइंस पे यकीन रखते थे. अच्छा होता है, बुरा होता है, मतलब ये हो गया तो बुरा हो जाएगा, वो हो गया तो अच्छा हो जाएगा. तो हम प्रस्त थे वो, तो हम वहम करते थे. वो समझते थे कि बहुत सारी बीमारियां तो इवल स्पिरिट से, मतलब काले जादू से और ये जिन भूत प्रीत के साये से आती हैं, इस तरह की बातों पे यकीन रखते थे. नजूमियों पे बड़ा यकीन रखते थे, हाथ की लकीरें चेक करवाते, नजूमियों से जाके पूछते नेक्स्ट हमारी जिंदगी में क्या होगा, तो ये तो अनसर्टेन है, ये तो कोई भी नहीं जानता होता. फिर काली बिल्ली कोई रास्ता काट जाती तो वो कहते ये तो अपशगुन हो गए. आपने ड्रामास देखे होंगे, ये बेसिकली इंडियन ड्रामास में बहुत दिखाया जाता है. काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया है तो अब तो कोई मुसीबत आने वाली है. शीशा टूट गया है तो ये भी बदशगुन हो गया. तो कंपैरिजन में देखें कि आजकल हम लोग ऐसी चीजों से बहुत ही कम डरते हैं. हम लोग सुपरस्टिशंस नहीं हैं, हम लोग का बिलीव बहुत ही कम हो गया हुआ है इस बात पे कि आप बीमारियां बदरूहों से लगती हैं. अभी भी बहुत हद तक सुपरस्टिशंस हैं हमारी इस दुनिया में, लेकिन हमने मैक्सिमम 80% कंट्रोल कर लिया है इस चीज़ को. जैसे कहते हैं गोल्ड की कोई चीज़ गुम हो जाए तो वो जिसकी चीज़ गुम हुई है उसके लिए अच्छा नहीं होता, इस तरह से. फिर काली बिल्ली का तो अभी भी बहुत सारे लोग करते होंगे बिलीव के काली बिल्ली. अब बिल्ली बेचारी बेशक अपने घर जा रही हो या खाना लेने जा रही हो, वो रास्ता काट लिया तो वापस आ जाते हैं, वो काम ही नहीं करते. नहीं जी ये तो अच्छा नहीं हुआ, पता नहीं अब कोई गड़बड़ हो जाएगी. भला बिल्ली ने बदला लेने आना कि आप मेरे रास्ते के आगे आगे से क्यों गुजरे हो. तो आजकल क्या है कि हमने अपनी थिंकिंग्स को डेवलप कर लिया है, अब हम रीजनेबल होके सोचते हैं. हम सोचते हैं कि यहाँ पे रीजन है बिहाइंड एवरी हैपनिंग. Ideas now must be supported by facts. हम हकीकत पे यकीन रखने वाले लोग हैं, हम रीज़न मांगते हैं, हमें रियलिटी चाहिए. हम सुनी सुनाई बातों पे कम यकीन करते हैं, हमें देख के बिलीव होता है. रीज़न बिहाइंड एवरी हैपनिंग, हर वाक्य के पीछे कोई ना कोई वजह होती है. ठीक है, लोगों के माइंड अब ब्रॉड हो चुके हैं, लोग वसी नज़र होकर सोचते हैं. मोर विलिंग टू लुक फॉर न्यू ट्रेंड्स, नई नई खोज करते हैं, नए नए क्वेश्चंस को सोल्व करने की ट्राई करते हैं लोग. ठीक है, तो आज बारिश की वजह से नेट का काफ़ी इशू हो रहा है बच्चों को, मुझे कुछ की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही. आपका कोई क्वेश्चन है तो मैसेज टाइप कर ले बेशक. तो मैंने आपको नेक्स्ट एक पैराग्राफ पढ़ाना था लेकिन बारिश हो रही है तो उसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है नेट में. तो फिर हम अपना लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं, पैराग्राफ हम कल स्टार्ट करेंगे. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन टेल मी. जी बच्चों, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद नेट का इशू हो तो मुझे मैसेज कर दें आप लोग. जी बच्चों कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं लेक्चर एंड करती हूँ. कल फिर इंशाल्लाह हम लोग
इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे. अल्लाह हाफिज, टेक केयर.